हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका अपना दोस्त अपने यूट्यूब चैनल टेक हमटी पे आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑनलाइन नेट बैंकिंग लेके आया हूं जो कि एसबीआई की है, एसबीआई योनो। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले एटीएम कार्ड से रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो देखिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना योनो जब डाउनलोड कर लेंगे तो आप खोलेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, न्यू टू एसबीआई एग्जिस्टिंग कस्टमर आई हैव एक्टिवेशन कोड। तो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक करना है। आपको सेकंड स्टेप ऐसा देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्क्रीन सेलेक्ट द ऑप्शन रजिस्टर्ड विथ माई एटीएम। आपको अपने एटीएम कार्ड से रजिस्टर्ड करना है तो आपको बीच वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा, रजिस्टर्ड विथ माय एटीएम कार्ड। ठीक है, तो आप रजिस्टर्ड विथ माय एटीएम कार्ड पे क्लिक करेंगे। आपको थर्ड स्टेप ऐसा आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है नाउ इंटर योर सीआईएफ नंबर एंड अकाउंट नंबर। आपको यहाँ पे अपना सीआईएफ नंबर डालना है जो कि आपके पासबुक में होगा। सीआईएफ नंबर डालिए और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एन ओ टी पी हैज़ बीन सेंट योर मोबाइल नंबर, मतलब कि जो रजिस्टर्ड है आपके मोबाइल से लिंक है, जो आपका मोबाइल लिंक है आपके अकाउंट से, उस पर ओ टी पी आएगा। आप वो ओ टी पी यहाँ पर डाल दीजिए, बस वो आपके पास होना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पाँचवा स्टेप देखिए, लिखा एंटर योर बैंक डिटेल टू जनरेट यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने एटीएम कार्ड का नंबर, जो एटीएम कार्ड पे नंबर होता है 16 अंकों का, उसमें का एटीएम कार्ड का नंबर डालना है और एटीएम पिन डालना है और सबमिट कर देना है, जिससे आप पैसा निकालते हैं वो पिन डाल के सबमिट कर दीजिए। फिर यहाँ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसमें क्या दिखाता है कि आपके कार्ड होल्डर, मतलब पूरा डिटेल आपका खुल जाता है, कार्ड होल्डर का नाम, सीआईएफ नंबर, बैंक, ब्रांच कोड, सब कुछ खुल जाता है जो कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा एकदम साफ साफ, यहाँ पे लिखा अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड, कंट्री, मोबाइल नंबर। आपको मतलब ये पूरा नाम वाम इसलिए दे देता है ताकि आप कंफर्म हो जाए कि हाँ ये आप ही का है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको एटीएम से रजिस्ट्रेशन समझ में आएगा। अब इसे हम करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लीज क्रिएट योर टेम्परेरी पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे टेम्परेरी पासवर्ड बनाना है, एक तरह से कहें तो काम चलाने भर का। बस उसमें आपको करना क्या है कि पासवर्ड कुछ यूनिक होना चाहिए, जैसे कि आपको उसमें कैपिटल लेटर बनाना है, स्मॉल लेटर बनाना है और डिजिट और सिंबल बनाना है। ठीक है, आपको उसे बना के सबमिट कर देना है ताकि आपको आराम से आप पासवर्ड बना लिए। ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, आपको नेक्स्ट स्टेप देखने को, यू हैव सक्सेसफुली सेट योर टेम्परेरी आईडी पासवर्ड। आपका जो आईडी पासवर्ड है वो टेम्परेरी, मतलब कि जो आपने बनाया है काम चलाने भर का, वो कन्फर्म हो गया। वही इस मैसेज में आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है यहाँ पे, यू हैव सक्सेसफुली सेट योर टेम्परेरी आईडी पासवर्ड बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। बस आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, उसी पे ये SMS मतलब OTP गया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ATM से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो हम इसे ओके कर देंगे। तब नेक्स्ट स्टेप ये देखने को मिलेगा, इंटर योर इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पर आपको क्या कर रहा है कि जो आप काम चलाने वाला पासवर्ड ID बनाए थे, यूज़र नेम, आपको वो यहाँ पे आसानी से डाल देना है और बस डाल के सबमिट कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसे डाल के सबमिट करेंगे तो हम आगे की प्रोसेस की ओर चलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर योर इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड और टेम्परेरी यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू प्रोसीड। यहाँ पे वही टेम्परेरी पासवर्ड जो आप बनाए, टेम्परेरी पासवर्ड और यूज़र नेम, उसको डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, यानी कि प्रोसीड कर देना है। तो जब ये हमारा बन जाएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ इंटरफेस, सेट योर परमानेंट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मतलब कि जो आपको क्या बनाना है, जो हम काम चलाने वाला बनाए थे उसको ना बना के हमको वही पासवर्ड बनाना है, बस थोड़ा उससे हट के बनाना है। ये हमारा परमानेंट पासवर्ड हो जाएगा जो कि हम लॉगिन कर पाएंगे योनो में। ठीक है, तो जब आप परमानेंट पासवर्ड यहाँ पे बना के इसे कंफर्म कर देंगे तब हम आगे की प्रोसेस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सेट योर परमानेंट इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, मतलब आपको फिर से डालने के लिए बोल रहा है, कंफर्म करने के लिए। तो जो आपने काम चलाने वाला बनाया था अब आप उसको भूल जाइए, जो आपने नया वाला बनाया है परमानेंट पासवर्ड उसको यहाँ पे डाल के इसे कंफर्म कर देना है। तो जब आप कंफर्म करके नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ रजिस्टर्ड विथ SBI नेट बैंकिंग सर्विसेज एंड नाउ यू कैन एक्टिवेट द योनो एप्लीकेशन यूजिंग यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड, मतलब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमारा बन गया है, कन्फर्म हो गया, तो हमें सबसे पहले योनो में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा जैसा कि पहले दिख रहा था। तो आपको क्या करना है, न्यू टू SBI लिखा होगा, आई हैव एक्टिवेशन लिखा होगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर पर जाना है तभी आप उसके अंदर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो पाएंगे और योनो को यूज कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो जब आप एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है लॉगिंग यूजर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग
ठीक है, और रजिस्टर्ड विथ माई एटीएम कार्ड, रजिस्टर्ड विथ अकाउंट डिटेल। तो आपको अकाउंट इस पर किसी भी क्लिक करने नहीं करना है, सबसे पहले वाले पर क्लिक करना है, लॉगिंग यूजर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड आईडी बनाया है वो यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको छोटा सा यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ आपसे पूछेगा क्या आपके पास डू यू हैव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग आईडी, तो क्या आपके पास एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग आईडी है, तो नहीं है तो आप यहाँ यस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने वो एटीएम से किया। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीका दिख रहा होगा यूजर नेम और इंटर पासवर्ड का, ये वो मांग रहा है जो आपने अपना पासवर्ड, जो पासवर्ड और आईडी जो आपने बनाया है, ठीक है, तो आप उसे यहाँ पे आसान तरीकों से डाल के इसे सबमिट कर देंगे। जब आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपको एम पिन बनाने का ऑप्शन देगा, बस याद रखिए कि एम पिन जो भी बनाइएगा थोड़ा इधर उधर होना चाहिए, जैसे 2 2 5 8 9 ऐसा, ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप एम पिन के नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा एम पिन शॉर्ट 6 डिजिट इन लेंथ, ठीक है, मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई स्पेशल कैरेक्टर और बस सिंबल लेके बना देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, धन्यवाद।